तो गाइस देखो भाई साहब, ये मिला गाइस मेरे को भौंपू भौंपू भौंपू। हेलो गाइस, कैसे आवाज को इनहेंस कर दिया या इंक्रीज कर दिया भाई। टाइम हो रहा है 2:05, नहीं नहीं 6 मिनट। वाह क्या टाइमिंग है मेरी। तो भाई सुबह से मैं ऐसी की तैसी मरा लूंगा इस स्टूडियो में। आज भाई मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था भाई, सोचा कि चले भाई आपको लेके एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। आज गाइस काम नहीं हुआ हमारे एक्सपेरिमेंट का, और पता नहीं गाइस आज क्या होगा, क्योंकि भाई मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। भाई वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो भाई ठीक है, वीडियो आए वीडियो बनाऊं, लेकिन भाई वो आइडिया सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, बड़ी दिक्कत है भाई। तो नहीं हो पा रहा तो गाइस वीडियो नहीं हो पाएगी भाई, यही होता है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो गाइस वो फेल भी हो जाते हैं, इसलिए गाइस हम वीडियो नहीं डाल पाते। तो भाई साहब ये रहा हमारा फोंपू फोंपू, और भाई ये रहा इसका स्पीकर। स्पीकर कहते हैं, इसे कहते क्या है मैं समझ में नहीं आती। प्लीज दोस्तों कमेंट कर बता यार इसे क्या कहते हैं। वैसे गाइस पता नहीं से क्या मैं इसे भी क्या मैं यार समझ में आती मेरे को, है ना। तो भाई ये तो बिल्कुल ठीक है। तो भाई साहब मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, देखो यहाँ पर सीधे में जोड़ रखा मैंने दोनों मोटर को, कुछ चाह रहा था मतलब अलग टाइप की कुछ चीज बनाना, लेकिन भाई वो चीज सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। तो खैर क्या कर सकते हैं भाई, फिलहाल आइडिया ये कैंसिल करना पड़ेगा मेरे को, कोई और एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो भाई पहले मैं क्या करता हूँ आपको इसके आवाज सुनाता हूँ, आवाज बाल्टी का गाना। चलो भाई, और ऐसा नहीं कि भाई मैं खुद चुप तो स्पीकर आ रहा हूँ, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और एक्सपेरिमेंट चल रहा था इन पर। क्योंकि आप जानते भाई ये तो मैंने वीडियो बना दी भाई, समर एक्सपेरिमेंट गाइस मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो बहुत सारे डीसी मोटर जोड़कर आई थिंक 30-40 डीसी मोटर गाइस जोड़कर मैंने उनका स्पीकर बनाया था। लेकिन इसका मैं कुछ और ही कर रहा हूँ, मतलब कितनी पावर जनरेट कर रहे हैं, कैसे इससे घूमेंगे, ये कितना घूमेंगे, वो खैर जब सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया और इस बारे में बात करना ही बेकार है। चलो भाई साहब ये नहीं तो और सही, और नहीं तो कोई और सही, ये बात गाइस हर जगह लागू होती है आजकल देखा जाए तो, ठीक है। और भाई साहब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे निकाल लेता हूँ, ये दोनों मोटर बहुत हरामी है, एक्सपेरिमेंट गाइस साथ नहीं दे पा रहे। चलो भाई साहब ये भैया किट हमने बना रखी है, और ये PM8610 किट है, और भाई साहब ये रहा इसके साथ एक 3.0 ब्लूटूथ मॉड्यूल, देखते गाइस चला के देखो भाई कैसे आवाज आती है रोने वाली। ये सबसे मजबूत लगता है, देखूंगा इसे कहते क्या है, रुक जाओ जरा इसका नाम गाइस अभी मैं भी देखूंगा गूगल पर सर्च कर लेंगे यार, क्या दिक्कत, क्या पता गाइस आपको भी ना पता हो, मिलके गाइस सर्च करेंगे तो पता गाइस लग ही जाएगी। हाँ तो गाइस मेरे को पता लगे भैया इसे कहते हैं हॉर्न स्पीकर, हॉर्न की तरह लगता है ना गाइस, हम हॉर्न बाइक में या कार में मानते हैं कि भाई इसमें लगा होगा, लेकिन गाइस ये भाई हॉर्न स्पीकर है। वो ईंट गर्म करने का भट्टा होता है ना, वो चिमनी होती है भट्टों पर, कुछ ज्यादा लग रहा है। चलो हाँ भाई इस पे मैं गाइस कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था यार, ये चलता रहता है भाई, खैर वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ये वाला गाइस सक्सेसफुल हो जाएगा। तो बस मैं करने वाला था, सोचा कि नहीं यार पहले एक काम तो कर ले यार, दूसरा काम बाद में कर लेंगे। तो भाई साहब देखते हैं कि इसके साउंड कैसे निकलते हैं। हाय आवाज तो गाइस कम सी लग रही है, और चलाने के बाद पता लगेगी। हाँ तो भाई मैं इसे फटाफट करता हूँ भैया कनेक्ट, हो गया भैया। देखो कॉर्पोरेट की संभावना गाइस हो सकती है, प्लीज दोस्तों मैनेज कर लीजिएगा, अगर यहाँ से वीडियो कट जाती है बाय चांस बीच में से अपलोड होने के बाद, तो समझ लेगा इस या तो यूट्यूब ने काट दिया वो वाला पार्ट या मैंने काट दिया, दिक्कत होती है गाइस। ओ साउंड आवाज बिल्कुल खत्म भाई, मतलब लगभग से खत्म साउंड, देखो लगाते हॉर्न जल्दी लगा दो गाइस वरना मैं डांस करने लगूं। ये तो गाइस कुछ भी नहीं है भाई, मैं आपको एक कॉलम बॉक्स कॉलम कहते हैं ना वो दिखाता हूँ। देखो भाई साहब ये रहा भाई साहब स्पीकर, देख रहे हो, और भाई ये काफी कॉस्टली स्पीकर है बॉस, ठीक है इनकी भाई आप हालत देखो, ठीक है। और भाई ये काफी कॉस्टली स्पीकर लगभग इससे 3500-3600 का स्पीकर बता रहे थे भाई, जिससे मैं लेकर आया हूँ, ये गाइस रिपेयरिंग के लिए मेरे पास, ठीक है भाई मैं लेकर नहीं आया हूँ आपको बता दूँ, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है भाई, मैं 3700-3800 का स्पीकर खरीदू, ये काफी पुराने समय के हैं, अभी नहीं मतलब इनकी हालत देख सकते हो बॉस, ये आप इसकी हालत खुद ही देख सकते हो, ठीक है। ये काफी गाइस पुराना स्पीकर भाई, मेरे को नहीं पता ये कौन सी कंपनी के, मेगा ऑडियो आई थिंक है ना। तो भाई जो जानकार है प्लीज दोस्तों बताइए कि ऐसा है, वो बताए थे 3700 रुपए का ये एक स्पीकर है, मेरे को कितने का मिला, मैं खरीद के नहीं लाया, खा में क्या झूठ बोले क्या फायदा भाई, ये मैं वापस कर दूंगा, ये गाइस रिपेयरिंग के लिए आई है, देखते गाइस इनकी आवाज भी सुन लेते हैं। इसके गाइस आपने आवाज तो सुन ली भाई, इन्होंने कान फाड़ दिए, ऐसे निकाल लेते हैं इसे इसमें तो गाइस इसका जो स्क्रू भाई ये तो बेकार हो रहा है, तो कैसे खोलूं, बड़ी सर दर्द है यार, खैर ये तो खुल जाएगा तो खुल भी रहा है, हालत देख रहा भाई इनकी, मतलब इसका फ्रेम देखो ये लोहे का प्लास्टिक का,
भाई ये एल्युमिनियम का आ गाइस, इस पे देखो देखो मतलब इसके अंदर एल्युमिनियम है, अगर आपको थोड़ा थोड़ा चमके देगी ना। ऊपर इसके पॉलिश हो रही है ब्लैक कलर की या कलर जो भी आप मान के चलो। और भाई ये वूफर है और इसमें गाइस आई थिंक टूट रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, इसके कनेक्शन नहीं दे रखे, तो गाइस इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डिजाइन है, कंपनी का ब्रांड है, इस पे लिखा है मेगा ऑडियो अंदर। ऐसा आई थिंक हाँ ऐसे खुल जाएगा, हाँ खुल गया देखो बॉस। यार ऐसे क्या फायदा यार बताओ, इसके अंदर भाई धूल मिट्टी चली जाएगी यार, है ना, जब ही बजेंगे धूल मिट्टी जाएगी, ये बेकार होंगे, हमें का आवाज करेंगे। खैर भाई जो लाता है उसके अपनी चॉइस है, नीचे का इसको भाई इसका ये हटाना पड़ेगा बोल्ट है ना हेड पर, यहाँ पर इसको लगा के तभी टाइट होता, लेकिन मैंने ऐसे खोल दिया ऐसे लगा दिया। भाई ऐसा तो दिक्कत है भाई, बड़ी प्रॉब्लम है इसे खोलने में। भाई यहाँ पर आज हमारा एक लोंडा साथ देगा, क्या है भाई WD-40। तो भाई और एक लाता हूँ, दो है भाई दो, ऐसे ही गिरा इस पर भाई तार लगा दिए थे मैं भाई, अभी इस पर लगा के भी टेस्ट करूंगा। चलो इस पर रहते हैं ना, तो मुझे इसे ठीक करनी है, तो इस पर टांग वाके टूट रहे थे इसको, उसके तो मैंने लगा दिए, इसके भी रह रहे हैं। और भाई आपको लग रहा कि होगा तो ना महंगा स्पीकर, स्पीकर वैसे गाइस बहुत महंगे महंगे आते हैं, इस बात नहीं, मैं भाई गरीब होने से लगा इस मैंने देख नहीं कभी। हाँ यकीन मानो गाइस मेरे को याद आ गई, मैंने एक 74,000 रुपए का स्पीकर देखा था, अब से कम 10 साल पहले, 74,000 रुपए का स्पीकर, आई थिंक वो 14 या 12 इंच का स्पीकर था, और भाई इसका लुक ये लगता 74,000 रुपए का स्पीकर। चल भाई खुल जा सिम, यही तो खुली ना रहा, यहाँ पे देखो इसमें कैसे यहाँ पर वायर लग रहे हैं। तो भाई ये वैसे पक्का काम है, ये एल्युमिनियम है, अगर टूट गई तो ये जुड़ेगी भी नहीं, सबसे बड़ी गाइस प्रॉब्लम्स की है, और इसके अंदर ही मैग्नेट है, दिक्कत भाई ये कि किसी और की चीज है, वरना गाइस स्किन मार भाई, अगर मेरे को मिलता ना ये वायर तो मैं आपके साथ अंग अंग इसका फाड़ देता, जब आते मतलब अंग अंग खोल देता, MDH का देगी मैरिज कर देता गाइस, जब आते। चलो भाई खोल लेता हूं, रुक जाओ भाई से यकीन मानिए, मैंने पूरे आगे पीछे के जोर लगा लिए भाई, मतलब हर चीज गाइस मैंने कर ली, कटिंग भी कर ली भाई, इसका जो हेड गाइस वो भी कट कर लिया, लेकिन भाई साहब ये है कि भाई स्क्रू खुलता ही नहीं, और भाई मैं ऐसे हीट कर नहीं सकता, वरना भाई से जो देख सकते हो ना ये इसकी प्लास्टिक है भाई, ये मेल्ट हो जाएगी, प्लस गाइस नीचे से भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भाई इसकी जो पूरी बूट है वो एल्युमिनियम की है। तो भैया जिस भाई ने मुझे दी है यही प्रॉब्लम कही कि भाई किसी तरह लगाओ यार ये खुल नहीं रहा है, तो भाई मैंने भी कोशिश कर ली है, हम गाइस कुछ हद तक भाई कोशिश कर सकते हैं, उसके बाद गाइस बड़ी दिक्कत है। तो भाई दूसरा मैंने यहाँ पर एक आईडिया निकाला है भाई, मैंने इसे घिसा है, देखो इसे घिस के, और भाई यहाँ पर जो ना मैंने सोल्डिंग कर दी है, ठीक है भाई, देखो टाके तो लगाने हैं, फायर तो लगाना है, तो भाई ऐसे सही मैं गाइस अभी आपको कॉलम में लाग अभी चेक करूंगा, इसे बेफिक्र हो यार, पता नहीं यार कैसे टाइट करा भाई ये समझ में नहीं आ रही, मैंने WD-40 पे लगाया है, हर चीज लगाया है, तेल वेल मालिश भी कर दूंगा मैं इसकी, ये तो बड़ी दिक्कत कर रहा है। खैर टांक लग जाएगा, और तो देखते हैं क्या होता है, साउंड करेंगे, साउंड ही नहीं आए, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं यार दिक्कत तो कोई नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा, वरना भाई साउंड आ जानी चाहिए थे, मैंने कहीं यहाँ पर जो भाई वायर लगाया है देखो यार, मतलब ब्लूटूथ की आवाज़ तो आती है, टूट टूट वाली जो कनेक्ट वाली जो होती है। अबे यार ऐसे कैसे चलेगा भाई, खराब है रे, मुझको दफना करो जब वापस जाएंगे, नहीं भाई साहब मेरी मर्जी मैं नहीं चलूंगा, जो खाना है खा लो, मेरा मेरी पूंछ पाड़ लो, तो मैं नहीं चलूंगा यार, एक तो दिक्कत इतनी सारी है, ऊपर से और कुछ आ जाती है, जैसे कि दिक्कत जो है ना अपनी बहन को रिश्तेदार कॉल करती है कि आ जाओ, हाँ दीदी आ जाओ, यहाँ दिक्कत है, यहाँ बहुत सारी दिक्कत है, तुम भी आ जाओ, यार एक दिक्कत जब आती है भाई वो अपने साथ औरों को लेकर आती है भाई, पक्का भाई से इनके पास कुछ सिस्टम में बात करने का भाई, ऐसे थोड़ी जीवन ना, स्पीकर ठीक लग रहा है, तो ये रहा स्पीकर ठीक है, तो हो सकता है भाई इस तार में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, ये वाला लगेंगे नहीं वाला, कोई भी आवाज नहीं आ रही, चलो एक बार यार गाना बजा के चेक करते हैं भाई, ये कनेक्टेड है, ओ भाई आवाज तो आई नहीं थी यार, लेकिन गाना चल रहा भाई, लगता है गाइस मेरे साथ खेल हो रहा है, चलो भाई साहब खैर हमें बजाने से मतलब है, ओ भाई चंगे सभी कूट आ जाए, बस जो बात है गाइस मतलब कि साउंड काफी अच्छे हैं और बेस काफी अच्छी है इसमें, और गाइस आई थिंक ये चीज तो हम दूसरे स्पीकरों में ला सकते हैं, लेकिन गाइस ये प्रीमियम क्वालिटी का एक ब्लूटूथ स्पीकर है, मैं गाइस इसे जो ना फटाफट जो इसकी कॉलम है इसका बॉक्स है स्पीकर बॉक्स उसमें गाइस इन्हें फिट कर देता हूँ, उसके बाद गाइस इसकी पूरी की आवाज सुनते हैं एक बार, ठीक है हाँ।
अब गाइस फाइनल भाई ये हो चुके कंप्लीट। यहाँ पे अलग सिस्टम चल रहा है, इतना बनाइए भैया। देखो जो लैग है ना, ये छोटे छोटे जो पाए हैं ये भाई इसके अंदर लगा है, इसके नीचे ये ना जाए। तो भाई दोनों तरफ गाइस वैसे गलत है भाई ऐसे झंडे को लगाना, और भाई ये ऐसे पलट देते हैं तो गाइस ये जमीन पर लगता है। हाँ आई एम सॉरी गाइस, मैंने भी अभी नोटिस किया है, क्योंकि भाई से लगा कुछ इस तरीके से रखा भाई कि ये पलटेगा तभी गाइस इसके यहाँ पर स्क्रू लगाई जाएंगे। खैर आई एम सॉरी भाई, मेरा बिल्कुल मोटिव नहीं था। चलिए भाई फटाफट की टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर गाइस हम कुछ और कलर कर सकते हैं गाइस, फिलहाल जिसका भाई इससे मैं इस बात को कहूंगा, ठीक है। फिलहाल गाइस मेरा नहीं है। चलिए भाई फटाफट की टेस्टिंग करते हैं, देखते गाइस ये कैसा बजता है। भाई ये भारी बहुत है बॉस। अरे भाई साहब बहुत ही ज्यादा भारी है। देखो भाई साहब यहाँ पर इसने लगा जिससे गाइस चूहे ना जाए। चलो भाई साहब फटाफट की टेस्टिंग करते हैं। और ये भैया इसके है वायर, मेरे ख्याल से तो गाइस मुश्किल इसका लोड उठा पाएगी। ये 15 वाट मैक्सिमम है एक साइड से, 15+15 वाट गाइस ये लास्ट डीकम्प्रेसर बोर्ड है। फटाफट गाइस टेस्टिंग करते हैं, देखा जरा आवाज थोड़ी सी कम कर लेते हैं जिससे गाइस इस पर लोड ना पड़े। बोर्ड पर गाइस लोड पड़ता है जितना आप आवाज खोलोगे, अगर ज्यादा हैवी स्पीकर जोड़ोगे ना इस पर तो भैया इस बोर्ड पर गाइस लोड पड़ेगा। तो मैं अभी फिलहाल कम आवाज पर इसे टेस्ट करता हूँ। चलिए ओ चल गया, देखो अभी गाइस आवाज काफी कम है। और दोनों चले गाइस बेस बहुत ज्यादा आई है, आप गाइस हेडफोन लगाकर सुन सकते हो। तो दो साइड देख लेते हैं, ये भाई दोनों बिल्कुल मस्त है। अब गाइस थोड़ी सी आवाज भी खोल लेते हैं, देखे तो गाइस ये बोर्ड लोड उठा लेगा नहीं उठाएगा। और भाई इन स्पीकर पर गाइस वाट नहीं लिखे, ये आपको साफ बात बता दूं। स्विफ्ट गाइस मोटा मोटा 30 से लेकर 50 वाट तक गाइस एक स्पीकर को मान सकते हैं। अरे वाह चल रहा अभी, ओहो कट मार दिया। तो गाइस ये जो बोर्ड है भाई ये स्पीकर का लोड नहीं उठा सकता। मैंने कहा ना गाइस कम आवाज पे तो गाइस ये लोड ले लेगा, क्योंकि फिर ये ज्यादा वाट लगेगा ना अगर हम आवाज की खोलेंगे। तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मतलब चलाने के लिए गाइस मुझे दोबारा इसे ऑन ऑफ करना पड़ेगा बस, तभी गाइस ये आई थिंक आउटपुट देगा। देखो आवाज दे दी, ठीक है गाइस मैंने कुछ ही नहीं किया है बस गाइस मैं इसकी देखो अपना ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया, आवाज कम करता हूं। देखो ठीक है चल रहा, देखो दोबारा करता हूं। देखो फुल करते गाइस आवाज बिल्कुल बंद कर देता है, आउटपुट देना ये बोर्ड बंद कर देता है। अब आपको गाइस पता लग गया कि भाई ये स्पीकर काफी हैवी है, और गाइस इनका लोड लेना इस किट के गाइस बस की नहीं है। इसने हाथ जोड़ लिया गाइस लेकिन इसके तो हाथ ही नहीं है। तो भाई साहब आपने देखा कैसे स्पीकर थे, हैं यार थे मत छोड़ो यार, काफी गाइस ये महंगे स्पीकर गाइस, मैं तो पैसे ले लेगा कोई दिक्कत होगी। फाइनल गाइस ये जो कॉलम है स्पीकर जो भाई ये चल गए हैं दोनों, और भाई हमने तो गाइस अपनी तरफ से टेस्टिंग भाई कर ली है। भाई गाइस भाड़ में जाए क्या हो रहा है वो क्या करेगा। चलो भाई साहब फिलहाल गाइस एंड करते हैं इस ब्लॉग का। अब गाइस आई होप कुछ नया मिला होगा। किट के रिकॉर्डिंग भी जो एम्पलीफायर क्लास डी का बोर्ड है 8610 पेम, और ये ऐसे गाइस ये पेम नहीं गाइस स्पैम है, इसके हिसाब से ये गाइस स्पैम बोर्ड है, काम नहीं कर रहा है इस पे, ठीक है। आई होप गाइस ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू सो मच। हेलो क्या चल रहा, चलो भाई कल मिलते हैं, थैंक यू बाय बाय।